नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर.के. और आप देख रहे हैं आर.के. ट्रेडिंग दोस्तों तारीख है दस जनवरी 2021 और यहाँ पे नौ जनवरी 2021 के लिए जो कल सैटरडे था आपके सवाल मेरे जवाब के सेक्शन में उसका जवाब लेकर आपके सामने आया हूँ कल जितने लोगों ने रात 12 बजे तक में यानी सैटरडे को आपके सवाल मेरे जवाब में अपना सवालों को भेजा है अपनी क्वेरी को भेजा है उनके क्वेरी पर अपना व्यू लेकर आया हूँ कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है अगर जो भी आपके सवाल में सिर्फ अपना व्यू बताऊंगा आप अपने भी उसमें रिसर्च एंस जरूर करें उसके बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करें अगर किसी स्टॉक पर रिकोमेंडेशन होता है तो तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे सबसे पहले चाहूंगा कि फीडबैक जरूर दें और मैं अपने सारे नए व्यूवर से कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए बेल का आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले तो शुरुआत करूंगा सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है और उनका क्या सवाल है और मैं फिर से बता दूं कि उनके सवाल रिजेक्ट हो गए दोस्तों जिन्होंने अपना नाम या शहर का नाम नहीं लिखा उनके सवाल रिजेक्ट हो गए तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप सवाल लिखने में मेहनत करते हैं तो अपना नाम और शहर का नाम लिखना फिर क्यों नहीं चाहते ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो नाम लिखें शहर का नाम तभी वो सेलेक्ट होगा प्रीतम लाल थापा साहब रेड़ा को समलपुर उड़ीसा से लिख रहे हैं कि रिस्पेक्टेड सर गुड मॉर्निंग देखिए इसने सुबह में कल सैटरडे को सुबह छह बजे ही सवाल भेज दिया था लगभग बग लग तो बहुत ही जागरूक विवर है मेरे पांच सौ शेयर चोला फाइनेंस का लिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर एट द रेट ऑफ फोर फोर्टी वन और NCC के थाउजेंड शेयर को इन्होंने लिया हुआ बासठ रुपए साठ पैसे पे एंड इंडिया रियल इस्टेट को पांच सो शेयर लिया छियासी रुपए बीस पैसे पे होल्ड किया है क्या टारगेट और कब तक आएगा चोला फाइनेंस की बात करें आपने 500 सौ सेले सर चोला फाइनेंस को तो आपको पता है कि मैंने पोर्सनल कॉल भी दिए हुए चोला फाइनेंस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया चोला चोला फाइनेंस फाइनेंस को तो मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश करूंगा चोला फाइनेंस का कियातालीस पे आपने लिया है कोई बात नहीं तो प्रीतम जी चोला फाइनेंस का मैंने यहाँ से शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था आपने देखिए बाय फोर फोर्टी फाइव एस एल फोर थर्टी टारगेट फोर सिक्सटी फोर एटी और फाइव हंड्रेड के ये मैंने अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ था जनवरी को पोस्ट किया है है मैंने तो अभी देखते हैं कि चोला फाइनेंस करेंटली किस लेवल पे है चूंकि आपने फोर फोर्टी वन पे लिया हुआ है चोला फाइनेंस को चलिए यह चोला फाइनेंस का चार्ट आपके सामने चार सौ इकतालीस पे लिया मेरा लेवल वही है प्रीतम जी 445 अगर उसके ऊपर निकलता है चोला फाइनेंस अगर उसके ऊपर कटता है तो एक अच्छा पोजीशन आपको मिलेगा चोला फाइनेंस में अपसाइड के लेवल देखने को आपको मिलेंगे काफ़ी अच्छे जो 480 तक भी जा सकता है लेकिन चूंकि आपने 441 पे ही ले लिया है पहले ही ले लिया है ऊपर के कहीं पे स्टॉप लॉस चार का लगा के होल्ड रखिए हाँ अगर ये फोर ऊपर ब्रेक करेगा तो आपको फोर तक के भी लेवल दिखा सकता है चोला फाइनेंस आपने एन के शेयर को भी लिया हुआ है है ना एनसीसी भी लिया हुआ है हाँ ये एन है और आपने एन का शेयर जो कितने भाव पे लिया ये है ये इंपॉर्टेंट है एन सी आपने लिया है बासठ रुपये साठ पैसे पे और अभी जो एन का प्राइस है बासठ रुपये पचपन पैसे के आसपास में स्टॉप लोस सिक्सटी रुपीज़ का लगाइए प्रीतम जी सिक्सटी रुपीज का लगाइए एक बार अगर ये ऊपर फिफ्टी फाइव ब्रेक करता है देन ये आपको सिक्सटी सिक्सटी फाइव ये सब लेवल ऊपर में दिखाएगा हालांकि आपने काफ़ी ऊपर के लेवल पर लिया जिस जगह पर लिया वहीं पर से वो गिरा है खैर कोई दिक्कत नहीं लेकिन स्टॉप लोस सिक्सटी का मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा अगला सवाल है आपका कि इंडिया रियल इस्टेट यानी आईआरबी को लिया छियासी रुपये बीस पैसे पे तो आईआरबी को मैं देख लेता हूं यह है छियासी रुपये बीस पैसे पे आपने लिया हुआ है एक मिनट दोस्तों शायद अपने इंडिया रियल इस्टेट शायद ये वाला स्टॉक होगा मेरे ख्याल से ये वाला इंडिया बुल रियल इस्टेट आपने छियासी रुपये बीस पैसे पर लिया ये है बिल्कुल सही तो आप होल्ड कर लीजिए इसको एक बार ये अगर नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री अगर ब्रेक करता है इंडिया बुल रियल इस्टेट देन एक सौ दस तक के टारगेट आपको आई आर बी जै इंडिया बुल रियल इस्टेट ज़रूर दिखाएगा ये ये चांसेस लग रहे हैं इसके चांस जो लग रहे हैं बिल्कुल उसी हिसाब का लग रहा है कि ये अपसाइड का एक ब्रेकआउट जरूर देगा और अगर ये ब्रेक करता है 92, 93 को तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट बनेगा फिर आप होल्ड कर लीजिएगा लेकिन स्टॉप लॉस इस समय जो लग रहा है वो एट्टी रुपीज़ के आसपास का आपको लगाना पड़ेगा प्रीतम जी तो स्टॉपलॉस को मेंटेन करके चलिए और अपने रिस्क को पकड़ के चलिए ओके सर चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल फीडबैक जरूर दीजिएगा प्रीम जी आप कभी फीडबैक नहीं देते ये गलत बात है फीडबैक जरूर दीजिएगा अमित अग्रवाल साहब का अगला सवाल है और ये लिख रहे हैं प्लीज़ गिव यू ऑन मदरशन सुमी एंड एल एन टी फाइनेंस फॉर स्विंग ट्रेडिंग सर एल एन टी फाइनेंस और मदरसन सुमी ये मुझे लगता है पिछले तीन महीने पहले चार महीने पहले मैंने दिए थे जो सारे टारगेट वारगेट डन हो गए उसके ऑलरेडी लेकिन फिर भी चूंकि अभी आपने बहुत दिनों बाद पूछा है और तो एक बार उसको फिर से देख लेते हैं मदरसन सुमी और एल एंड टी फाइनेंस को मेरे ख्याल से आप शायद कंटिन्यू फॉलो नहीं करते चैनल को इसलिए आप अपडेट नहीं हो पाते मैं इसको पहले भी दिया हुआ कई बार मदरसन सुमी को भी दिया हुआ था तो यहाँ है मदरसन सुमी का आपके सामने चार्ट ये काफ़ी अच्छे मैंने इसको ए वन एक सौ तीस के आसपास भी दिया था बाय करने के लिए और टारगेट एक सौ पचास के आसपास का था वो सारे टारगेट वार्गेट इसके डन हो गए रियलिटी अगर आप हैं तो अगर आपको मैंने इसको लेना है तो एक अच्छा जगह पर आपको मिलेगा अगर ये वन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है अगर मदरसन सुमी वन के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है न, अमित जी तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मदरसन सूमी में आता हुआ दिख सकता है तो नजर रखिएगा मदरसन सुमी पे भी है ना अगर ये आपको आ, 170 पर फिर ये आपको ऊपर की तरफ में 200 220 तक के भी टारगेट दिखा देगा लेकिन उसके पहले मत लीजिएगा दूसरा है आपका एलटी एफएच है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग है वो मैं चेक कर लेता हूँ शायद एलएनटी एफएच के नाम से आता है बिल्कुल अभी ये अच्छा खासा मूवमेंट में चल रहा है एल एन अभी आपको नजर अगर नज़र अगर इस पर लेना है तो मेरे ख्याल से अगर 100 के आसपास या 95 के आसपास से अगर ये बाउंस करे तो बहुत अच्छी बात है तब आप वहाँ पे ले सकते हैं अदरवाइज 110 के ऊपर जब निकलेगा तब लीजिएगा उसके पहले मत लीजिएगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बन रहा है या तो वन के ऊपर लेना है या फिर नाइन्टी के आसपास मिले दोबारा से और वहाँ से अगर वो बाउंस करता है तभी लेना है उसके पहले नहीं लेना है तो उम्मीद करता हूँ आपका सवाल मिल गया होगा जवाब आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल देखते हैं किनका है मुंबई से साह अचल साहब लिख रहे हैं कि आई शॉट एल आई सी ऑन फोर थर्टी फाइव शूड आई वेट और कवर माई पोजिशन इन्होंने चार सौ पैंतीस पे एल आई सी को शॉर्ट किया हुआ है देखिए एक्चुअली अपने फ्यूचर को शॉर्ट किया होगा मैं तो कैश के लेवल बताऊँगा अचल साहब तो कैश के लेवल पे अगर एल वो लेवल ब्रेक करता है तो आपको फिर एग्जिट करना पड़ेगा आपने शॉर्ट किया हुआ और ये अपसाइड के मूवमेंट जा रहा है एलआई हाउसिंग वाउसिंग बहुत ही बेहतरीन 400 कितने पे 45 क्या है आपका 435 पे शॉर्ट किया देखिए और ये 442 चला गया कैश के लेवल पे अगर ये 450 ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको निकल जाना है अपने शॉर्ट पोजीशन से एकदम कवर करके उसको भाग जाइए वहां से कोई फ़ायदा फिर आपको नहीं मिलेगा अगर उसको क्लोज़ कर देता है उसके ऊपर तब नहीं तो नहीं अगला सवाल लेता हूँ वैभव जैन साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि सर आई सवाल आई है अबाउट बी एस सी बहुत अच्छा एट सिक्स फोर्टी सेवन फोर फ्यू मंथ्स लेट मी नो योर व्यू इफ ऑल फॉल्डोर देखिए इन्होंने बी एस सी खरीदा है मैंने हम लोग स्टॉक खरीदते हैं इन्होंने पूरा स्टॉक एक्सचेंज ही खरीद लिया ये बहुत ही अच्छी बात है बी एस सी देखिए आपने खरीदा किसी ख़राब चीज़ को बिल्कुल नहीं खरीदा है आपने बहुत ही अच्छा चीज़ खरीदा है बहुत बढ़िया चीज़ है सिक्स फोर्टी सेवन पर आपने लिया है और ऑलरेडी इसकी क्लोजिंग सिक्स फोर्टी थ्री के आसपास उसी के आसपास की चल रही है लेकिन इसका हर्डल एक रेजिस्टेंस है वो छः सौ पचपन रुपये का सर अगर वो छह सौ पचपन को ब्रेक नहीं कर पाता आगे आने वाले समय में तो ये छः सौ के लेवल पर भी आने की कोशिश करेगा नीचे लेकिन इस कंडीशन में आपको एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना पड़ेगा ना वो स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए छह सौ तीस रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अगर वो कटता है तो छः सौ के लेवल आपको नीचे के साइड में दिखाएगा हाँ अगर ये छह सौ पचपन आने वाले समय में ऊपर में ब्रेक करता है एक से दो दिन

उसमें बाय करने के लिए फिबो रिटेशमेंट लगाया है तो उसमें कब बाय करें अड़तीस के या फिफ्टी के रिटेशमेंट के या अब का वेट करें इंट्राडे में बहुत बढ़िया इसके लिए आपको सर फिबो रिटेशमेंट वाली वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी मैंने फ़िबो रिटेशमेंट का एक वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी और लाइव ट्रेड के साथ बनाया हुआ है राजीव जी उम्मीद करूँगा आप थोड़ा तो सा टाइम निकालें अपने लिए और उस वीडियो को देखिए मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ कि वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको या तो मेरे वेबसाइट पे जाना है आर के ट्रेडिंग डॉट ऑनलाइन वेबसाइट है या मेरे आपको आर के ट्रेडिंग डॉट आर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे जाना है कहीं पे दोनों में से किसी जगह आइए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा चाहे तो मेरे चैनल पे आइए चाहे मेरे वेबसाइट पे आइए यहाँ भी आपको प्लेलिस्ट का एक वीडियो मिलेगा और प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ करके देखिए कहीं पर यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर लिया उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे प्ले में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज वाले में तो आपको एक वीडियो ये मेरा चैनल वेबसाइट है वेबसाइट ओपन वे 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 हो रहा है इधर चैनल ओपन हो रहा है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करके यहाँ भी मिलेगा आपको देखिए यहाँ यहाँ व्यू फुल प्ले लिस्ट पर ये साइकोलॉजी पे क्लिक हो गया सॉरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज किधर गया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज खो गया क्या कहीं तो होगा ट्रेडिंग यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है इधर यहाँ क्लिक करेंगे इधर भी ओपन हो गया मेरे ख्याल से यहाँ पे एक फीबो रिटेचमेंट का एक वीडियो मिलेगा देखिए ये मेरा वेबसाइट पहले खुल गया तो मैं वेबसाइट पे ही दिखा देता हूँ फीबो रिटेचमेंट का ठीक है और वो आपको मैं दिखाता हूँ फीबो रिटेचमेंट बिल्कुल नेक्स्ट करिए और हाँ ये देखिए सॉरी यहीं पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विद फिबोनाची है ना क्या है मैं फिर से वापस प्रीवियस आके दिखाता हूँ इस पे भी आपको मिलेंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विथ फिबोनाची ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विथ फिबोनाची ये नीचे आएगा 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 कहीं पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विथ फिबोनाची ये देखिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ फिबोनाची टूल आप इस वीडियो को देखिए राजीव जी आपको काफी हेल्प मिलेगा चाहे आप मेरे चैनल पर देखिए चाहे वेबसाइट पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विथ वो नाची जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके कहाँ पे बाय होगा कहाँ पे सेल होगा लाइव मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रेडिंग करके समझाया हुआ आप इस वीडियो को जरूर देखिए काफी हेल्प मिलेगा और देखने के बाद फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा सर आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल और मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं सर स्पेंसर रिटेल अबाउट एटी फोर टू होल्ड फॉर टू मंथ पीरियड कैन यू प्लीज गिव टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर दिस सर स्पेंसर के तो ऑलरेडी टारगेट आ गए सर जो मैंने दिया था 100 तक के टारगेट आ गए थे लेकिन फिर भी आपने चूंकि एटी फोर अभी लिया है रिसेंटली शायद आपने लिया है दो मंथ के लिए तो हम लोग चेक करते हैं स्पेंसर को एटी फोर आपने लिया तो क्या स्टॉप लॉस बन सकता है इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ <coughs> दोस्तों जब तक ये देख रहे तब तक तो मैं ये आपको लोगों को बता दूँ कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे नो टाइम नो नो टाइम नो मनी करके आप उस वीडियो को देखिए दोस्तों उसमें भी एक व्यूवर के सवाल हैं काफ़ी इमोशनल सवाल है उनका काफ़ी सारे लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका तो मैंने वहां पे एक वीडियो बना के पोस्ट किया है आप उस वीडियो को भी देखिए काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको ठीक है तो इसका जो सर आपने लिया है ना इसमें एक्चुअली एक, एक रेजिस्टेंस आ रहा है 93 के आसपास का 93, 94 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है हार्डली आप कहते तो 95 का लेके चल सकते हैं अगर वो ब्रेक होता है ना मुरलीधरन जी तो देन 100, 105 का टारगेट दिखाएगा लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस एटी रुपीज का लगा के आपको चलना पड़ेगा अस्सी का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो थोड़ा वहाँ पे सेफ रह सकते हैं हालांकि अभी आप दो पॉइंट प्रॉफिट में तो नो no प्रॉब्लम अगला सवाल लेता हूँ दीपक कुमार जी दिल्ली से लिख रहे हैं इसमें लिख रहे हैं दीपक जी लिख रहे हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वजह से ही मैं शेयर बाजार में कुछ पैसा कमा पा रहा हूँ आपके वीडियो से आपके ट्रेडिंग वीडियो से आपके स्ट्रेटजीज की वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिली है इसके लिए आपका जीवन भर बहुत आभारी रहूँगा थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच मेरा सवाल यह है कि मैंने पिछले तीन महीने से बिप्रो इन्फोसिस आई शेयर में मंथली बेसिस पर एस स्टार्ट किया ओके ध्यान से सुनिए दोस्तों इनका इन्होंने बिप्रो आई इन्फोसिस और आई मंथली बेसिस पे एस स्टार्ट किया जिसमें हर महीने पाँच से छः हज़ार इन्वेस्ट हो रहे हैं बहुत बढ़िया है। मैं यह एस आई बीस साल के लिए यानी कि अपनी रिटायरमेंट के लिए करना चाहता हूँ बहुत बढ़िया बात है अच्छी बात है कृपया आप मुझे बताएं कि मेरा सिलेक्शन सही है और मेरी रिटायरमेंट तक मुझे अपने शेष जीवन के लिए आमदनी मिल पाएगी बहुत बढ़िया आपका सिलेक्शन सही है या गलत है आपने जो स्टॉक्स लिए आप अपने वो अपने सेक्टर का हीरो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने सेक्टर का लीडर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी प्रॉब्लम आपके साइकोलॉजी के साथ होगी अभी मार्केट आपने तीन महीने पहले ही किया ना मार्केट में तो अभी आंधी तूफान चल रहा है तो अभी आपको मज़ा आ रहा होगा बहुत ही मज़ा समस्या तब आएगी जब मार्केट दो तो तीन परसेंट पाँच परसेंट दस परसेंट गिरावट आएगी समस्या आपके साथ तब उत्पन्न होगी लेकिन मैं चाहूंगा दीपक जी आपसे कि आप मेरा एक वीडियो ज़रूर देखिए आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर वहीं पे मिल जाएगा मैंने एक लाइव एग्जांपल के साथ किसी के पोर्टफोलियो के साथ मैंने ये वीडियो बनाया था किसी व्यूअर के पोर्टफोलियो के साथ तो उनका और आपका दोनों का सेम क्वेरी है आप उस वीडियो को देखिए मैं वो वीडियो का लिंक आपको दिखाता हूँ कहाँ पर मिलेगा सबसे पहले चलते मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अब देखिए मेरे YouTube चैनल पे आप आ गए यहाँ पे ठीक है और इसके वापस मैं यहाँ पे लाऊंगा पहले प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना है ध्यान से देखिए दीपक जी मेरे आर के ट्रेडिंग चैनल पर आना है और वहाँ पे एक प्ले लिस्ट का सेक्शन मिलता है आपको ये यह पता है यहाँ पे क्लिक करना है तो इस तरह के आएंगे और यहाँ पे एक आपको मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक वीडियो देखिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको फिर पता चलेगा अभी ठीक है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर तो एक वीडियो खुलेगा आपको मैं दिखा देता हूँ वो वीडियो और वो आप उसको देखिएगा जरूर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और मुझे फीडबैक भी जरूर दीजिएगा ठीक है और वो वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे वो वीडियो क्या है तो वो वीडियो दीपक जी यहां पर देखिए ध्यान से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर ट्वेंटी ईयर्स और 20 डेज देखिए 20 साल के लिए या 20 दिन के लिए सेम आप वाला सिचुएशन है वही चीज है ये वीडियो 18 मिनट की वीडियो आप इस वीडियो को देखिए ये बिल्कुल आप ही से रिलेटेड है ठीक है आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिलेक्शन नो no प्रॉब्लम सिलेक्शन आपका बहुत बढ़िया क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ में आपके इस इन्वेस्टमेंट uh, में उसको मैंने यहाँ इस वीडियो में बताया हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर ट्वेंटी इयर्स और ट्वेंटी डेज यानी बीस दिन के लिए या बीस साल के इन्वेस्टमेंट आप इस वीडियो को देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा और बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया हुआ है एक पोर्टफोलियो पे उम्मीद करता हूँ आप इसको देखेंगे और इसका फीडबैक भी मुझे जरूर देंगे तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वीडियो को आप जरूर देखिए देखिए मैक्सिमम क्वेरी के तो ऑलरेडी मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है मैंने पहले ही बना दिया लोगों के लेकिन लोग देखते नहीं है ना इस अगर वो देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाना है आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल वेद कुमार जी सूरत गुजरात से लिख रहे हैं कि आई होल्ड शेयर ऑफ विप्रो ठीक है विप्रो के शेयर को इन्होंने होल्ड किया है दो के प्राइस पे शुड आई स्टिल होल्ड और सेल एट द करेंट प्राइस क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए यह बड़ा सवाल है 430 से चार सौ पैंतीस दो पॉइंट ये रैली उठा चुके हैं सर आपने बहुत अच्छा रैली लिया है 200 पॉइंट की रैली बीप्रो में आपने लिया है मुबारक हो इसके लिए और विप्रो को अगर आप करेंट प्राइस पे भी सेल करते तो कोई ख़राब बात नहीं प्रॉफिट बुक करते तो कोई ख़राब बात नहीं मेरे ख्याल से आपको एक बार स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से निकलना बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए चार सौ रुपये का स्टॉप लॉस फोर हंड्रेड के पास आपको स्टॉप लॉस ला के मैंटेन करना चाहिए और इसको अभी होल्ड करके और भी रखना चाहिए आपको सर ठीक है तो प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप फिफ्टी परसेंट कर लें बाकी फिफ्टी परसेंट का फोर हंड्रेड के पास स्टॉप लॉस ला के ट्रेल कर लीजिए सर अच्छा रहेगा मैं नए नए व्यूवर से कहना चाहूँगा कि अगर लाइव मार्केट में इंट्रा कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं बढ़ूंगा अगला सवाल और साथ ही इस सेक्शन का भी फीडबैक जरूर दीजिएगा अगला सवाल है घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से लिख रहे हैं आई हैव बॉट द फ्लोइंग स्टॉक ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड बिफोर दैट आल्सो गुजरात फ्लोरो केमिकल क्वान्टिटी दो है दो के भाव पे एस को लिया हुआ है पंद्रह के भाव पे 48 शेयर और आवास को लिया हुआ है ग्यारह पे सात सौ तीस क्वांटिटी ठीक है पंद्रह ने सॉरी मैं गलत भूल गया क्वांटिटी ग्यारह सौ तीस से सात सौ तीस के भाव पे बिल्कुल और पंद्रह सौ पच्चीस पे अड़तालीस शेयर लिया हुआ है इन्होंने ठीक है तो हम लोग पहले गुजरात फ्लोर केम्प को देखेंगे सर ऑलरेडी आप ये तीन हजार साल के लिए होल्डिंग करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल सही है गुजरात फ्लोर के ये जब मार्केट गिरावट आया ना तो इसमें सेट जो होते हैं ना लीडर लीडर एक्चुअली चेंज हो गया है ठीक है अभी केमिकल कंपनियाँ केमिकल कंपनियाँ जितना अच्छा तरीके से परफॉर्म कर रही है चाहे वो कोई भी हो पी लाइट हो जाए एशियन पेंट हो जाए बर्जर पेंट हो जाए सुदर्शन केमिकल हो जाए यूपीएल हो जाए कोई भी सारी पेंट कंपनियाँ कम, ने मार्केट को लीड किया हुआ है अगर आप ध्यान से उसके पैटर्न और चार्ट देखते हैं तो आपने गुजरात फ्लोरोकेम को काफ़ी अच्छे तरीके से लिया हुआ है और इसके जो प्राइस है आपने दो सौ चौरानवे रुपये के भाव पे अपने 2000 शेयर लिए थे और ऑलरेडी 620 के आसपास चल रहा है तो 400 पॉइंट तो आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट में 320 पॉइंट बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में अभी मेरे ख़्याल से एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे कौस हो जाने का जगह है ठीक है 640 के ऊपर अगर ये इसको एक हडल है छः से चालीस छः का अगर वो वहाँ पर रुकना शुरू करता है तो आपको एक बार थोड़ा सा प्रॉफ़िट बुक ज़रूर करना चाहिए दूसरी बात है कि आपको 600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए आपने आवास को लिया हुआ है इसको भी चेक करेंगे आवास फाइनेंशियल करें। देखिए, आपने 1900 अभी 1933 पे चल रहा है आपने 1100 समथिंग पे आवास को पकड़ा हुआ है 1133 के आसपास का <coughs> 1130 पर लिया हुआ है और अभी ये उन्नीस सौ चल रहा है छह पॉइंट ऑलरेडी आप प्रॉफिट में तो इसके जो स्टॉप लॉस होंगे ना स्टॉप लॉस मेंटेन आपको 1800 पे करना होगा और एक बार अगर ये 2000 के लेवल को दोबारा से क्लोज करता है तो इक्कीस का टारगेट दोबारा से आपको दिखा देगा आपने एक और स्टॉक लिया है पंद्रह हजार के भाव पे और उसका नाम है नाम मैं मिस कर रहा हूँ एस को लिया हुआ है बिल्कुल अड़तालीस क्वांटिटी आपने लिया हुआ है एस ये देखिए शायद ये गलत तो नहीं बोल रहा ना सर एस एक्शन यही है ना हाँ मैं गलत पड़ गया क्वांटिटी आपने पंद्रह हजार पच्चीस लिया हुआ आवाज का क्वांटिटी है ग्यारह सौ तीस और सात सौ तीस पे आपने इसको खरीदा तो आवास ऑलरेडी सर उन्नीस सौ के आसपास है आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट आवास में बनाया आप स्टॉप लॉस सर अठारह सौ के आसपास में है इसका क्वांटिटी 2000 वो तो थी ठीक मैंने पढ़ा इसमें मैं गड़बड़ा गया एस का क्वांटिटी आपके पंद्रह पे लिया हुआ है अड़तालीस के भाव पे तो देखिए एस का अभी 141 पे चल रहा है तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इसमें भी प्रॉफिट बनाया अच्छा खासा बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट बनाया आपने 48 पे आपने लिया है इस स्टॉक को आपने 48 के आसपास पास यहाँ कहीं पे खरीदा है और अभी ये 140 चला है हंड्रेड पॉइंट तो यहाँ है और पंद्रह हजार क्वांटिटी आपके पास तो मल्टीप्लाई करेंगे मेरे व्यूवर लोग तो देखेंगे बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप बैठे बैठे हुए ऑलरेडी आवास में भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं सात के भाव पे आपने आवास को लिया है ना 730 पर आपने लिया और वो स्टॉक अभी फिलहाल 1900 के भाव पे चल रहा है तो ये भी बेहतरीन है आपने तो स्टॉप लॉस इसका तो मेंटेन कर लिया 1800 और जहाँ तक एस की बात है तो एस पे भी क्या स्टॉप लॉस आपको बताऊँ स्टॉप लॉस तो इसमें अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको लगाना हो तो एक सौ एक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं ऊपर वन को ब्रेक करने के बाद टू तक के टारगेट बन सकते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन में यानी कि एस में तो ये फिर आपके तरफ आपके लिए मेरा सब जवाब है सर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में बने हुए पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इंजॉय कीजिए प्रॉफिट बढ़ूंगा अगला सवाल और अगला सवाल सूरत गुजरात से नासिर कुंडालिया साहब लिख रहा है सर मैं 10 बजे तक मार्केट को टाइम दे सकता हूँ ओके सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जो 10 बजे तक इंटरडे में कुछ प्रॉफिट कमा आया जा सके मेरी कैपिटल आठ हजार है तो मैं कुछ सीखना चाहता हूं और ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकता एक्चुअली सर नासिर साहब जो मैं भी आपको आंसर करूंगा उससे आप बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा पहले मैं सॉरी बोल देता हूं आप कंफ्यूज हैं सर बहुत ही अच्छे तरीके से आप कन्फ्यूज हैं देखिए इस पूरे सवाल में सिर्फ कन्फ्यूजन भरा है आपने कैसे कैसे लिखा क्या पहले आपने दस बजे तक मार्केट को टाइम दे सकते हैं ठीक है, है। यानी आपके पास 45 मिनट का ही टाइम है ओनली 45 मिनट ठीक है क्योंकि 9:15 में मार्केट ओपन ऐसी कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जो दस बजे तक इंटरडे में कुछ प्रॉफिट कमा सके यानी अभी आपने कमाने की बात कहा ध्यान से देखिए अभी आपने एक ही लाइन में आपने कमाने का बात कहा फिर लिख रहे हैं कि कुछ सीखना भी चाहता हूँ और फिर लिख रहे हैं कि ट्रेनिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता और कैपिटल भी आ हो जाता तो ये कन्फ्यूजन नहीं है कि एक तो सीखना भी चाहते हैं प्रॉफिट भी लेना चाहते हैं और ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहते हैं तो दैट मीन क्या है कि आप कंफ्यूजन है सर उस आठ पैसे से ना मैं आपको जो सलाह दूंगा जरा ध्यान से सुनिए हो सकता है पसंद ना आए मैं अपने दूसरे व्यूवर से भी कहूंगा क्या मैं इनको गलत सलाह दे रहा हूं देखिए उस आठ हजार पैसे से आप छोटी क्वांटिटी से खुद से ट्रेनिंग लीजिए अपने आप से मार्केट आपको ट्रेनिंग देता रहेगा कोई टेंशन नहीं लेना आपको खुद से ट्रेनिंग किसी से नहीं लीजिए आप ट्रेनिंग मार्केट आपको खुद ट्रेनिंग दे देगा आठ हजार रुपये से आप बिल्कुल छोटी क्वांटिटी से आप जो चीज़ भी देख के फॉलो करते हैं बिल्कुल उसको फॉलो करिए दूसरी बात मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया है सर अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे नो टाइम नो मनी इस टाइप का मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया है आज ही पोस्ट किया है आप उस वीडियो को जरूर देखिए बाजार हाट न्यूज चैनल पर मेरा जो दूसरा वाला चैनल है टेलीग्राम पे भी मैंने इसे पोस्ट कर दिया था

Then earn होता है। तो आप पहले लर्न कीजिए का कोई जरूरत नहीं। आप पहले खुद से करिए ना खुद से करिए छोटी हो सकता है ये आठ हजार रुपये एक बार जीरो, एक बार जीरो हो जाए। लेकिन आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा याद रखिएगा क्योंकि जब आप खुद से धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना तो आपको मार्केट की छोटी छोटी चीजें भी समझना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद कुछ दिनों के बाद महीनों के बाद आपको ये खुद डिसाइड करने लग जाएंगे आप कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है याद रखिए स्ट्रैटीज आपको एक बार चलेगा मार्केट में स्ट्रैटी दो बार चलेगा हर बार स्ट्रैटी वर्क नहीं करती याद रखिए हर बार हर स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती सबका अपना एक टाइम होता है आपके पास टाइम भी नहीं है मात्र 45 मिनट का टाइम है तो क्या मार्केट के पास टाइम है आपके लिए सोचिए अगर आपके लिए आपके पास मार्केट के लिए टाइम नहीं है तो मार्केट को क्या ज़रूरत पड़ा है आपके लिए पैसा निकाल के देने का कोई ज़रूरत है मार्केट को कोई इस बात की जल्दबाजी है कि वो आपको पैसा देगा नहीं देगा ना तो नो टाइम नो मनी सीधे यहाँ यही हिसाब चलता है आप लर्निंग स्टार्ट करिए छोटी क्वांटिटी से एक सिंगल ट्रेड लीजिए एक पांच क्वांटिटी चार क्वांटिटी दस क्वान्टिटी ऐसी लीजिए है ना उसको देखिए उसको ऑब्जर्व करिए कि वो क्या कैसे मूव करता है कोई स्टॉक है ना जब आप उसको रियल पैसे से छोटी क्वांटिटी से करेंगे तो आपको बहुत कुछ जाएगा तो क्या जाएगा बीस पच्चीस क्वांटिटी का क्या लॉस होगा कुछ नहीं नथिंग लेकिन अगर आप उसे सीख पाते हैं तो बहुत कुछ सीख जाएंगे तो आप इसको स्टार्ट करिए छोटा छोटा क्वांटिटी से उसके बाद फिर आप मार्केट को समझिए और टाइम तो देना पड़ेगा सर यहाँ कोई सबूट नहीं है नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करिए इन्वेस्टमेंट में कोई टाइम की जरूरत नहीं है सिंपल सप्ताह दस दिन में एक बार चार्ट देखा अपना स्टॉक सेलेक्ट किया और पैसा लगा दिया आप इन्वेस्टमेंट करिए ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग में उसमें कोई ये नहीं है कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं ट्रेडिंग मतलब टाइम देना पड़ेगा नो प्रॉब्लम उसमें चलिए बढ़ता हूँ अगला सवाल लेता हूँ और अभिजीत डोरे मालेगांव से लिख रहे हैं आई एम होल्डिंग एट हंड्रेड क्वान्टिटी ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम टू टेन अच्छा पांच साल के लिए ये दो सौ दस के भाव पे खरीदा है चेन्नई पेट्रोलियम को आठ सौ क्वान्टिटी ना वन टू एवरेज इट स्टॉक एट वाट प्राइस रेंज सेवरेजर्ड वे ओके क्या ये एवरेज कर सकते या नहीं कर सकते ये पूछ रहे दो सौ दस के भाव पे चेन्नई पेट्रोलियम को इन्होंने लिया है कोई बात नहीं अभिजीत जी, जी. 210 पे आपने लिया है और 500 यानी आपने बहुत पहले से लिया हुआ है 210 सौ दस ही ना आपने एक की जगह कहीं 210 तो नहीं लिख दिया गलती से सर 210 ही है है ना बिल्कुल तो मेरे ख्याल से 110 होना चाहिए ना अगर आपने 210 सौ लिया इसके अंदर बहुत पहले लिया है बहुत पहले लिया है बहुत का बहुत पहले ले लिया है आप एवरेज भी कर सकते हैं सर नो प्रॉब्लम लेकिन एक बार दिक्कत क्या है ना आपको एवरेज थोड़ा जब ये नीचे आता है तब भी करते तो अच्छा रहता है हालांकि इस जगह पे भी कोई खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आप कर सकते हैं 120 ट्वेंटी के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा टारगेट वन की तरफ जाने की कोशिश करेगा लेकिन फिर भी आपका प्राइज नहीं आएगा टाइम लगेगा आपके प्राइज आने में सर थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी जी जी आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा एवरेज कर सकते हैं या अपने रिस्क के हिसाब से जावेद जी लखनऊ से लिख रहे हैं अगला सवाल और जावेद जी कह रहे हैं कि लखनऊ से यूपी लखनऊ से कि बैक्टर फूड को पाँच सौ पे 100 शेयर लिया है क्या लगता है सर होल्ड करूं या स्क्वायर ऑफ कर दूं बैक्टर फूड यानी अभी तो बैक्टर फूड रिसेंटली लॉन्च ही हुआ है सर और आप इतने परेशान हो गए बैक्टर फूड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम देख लेते हैं चूँकि चार्ट अभी इसका बना नहीं है है ना बैक्टर फूड का चार्ट भी बना नहीं है और आपने इसको भागते हुए लिया ऊपर की साइड में लिया ये प्रॉब्लम है याद रखिए बैक्टर फूड में हमेशा हमेशा याद रखिए एक बात कि अगर बैक्टर फूड नीचे 450 के नीचे गिर जाएगा तो फिर ये 400 तक भी नीचे जा सकता है ठीक है याद रखिए 450 450 के से अगर ये नीचे गिर जाता है बैक्टर फूड तो फिर निकल जाने में एक बार तो भलाई है यहाँ पे है ना अदरवाइज अगर आपको एवरेज करना है तो आप एवरेज कर सकते हैं कोई इसमें ये नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से अभी आपको एवरेज करना भी नहीं चाहिए जब तक ये 490 को दोबारा से ऊपर ब्रेक नहीं करे तब तक एवरेज करना भी रिस्की है तो याद रखिए 450 सौ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बहुत ही नियर में वो ट्रेड कर रहा है चार के आसपास में जिस समय इसी लाई आई आया पाँच से सीधे दूसरे दिन छः चला गया वहीं से देखिए गिरावट स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू गिरा फिर चार के पास आके रुका है चार सौ पचास को दोबारा ब्रेक करेगा तो वहां से बीस तीस पॉइंट फिर नीचे चला जाएगा याद रखिएगा इसलिए चार सौ अस्सी के ऊपर आप एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं यहां पे एवरेज नहीं करिएगा दूसरी बात चार सौ पचास के नीचे निकल जाइएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से लेकिन चूंकि चार्ट अभी इसका कंप्लीट बना नहीं है सर अभी चार्ट बनने में इसका टाइम है अभी तो दस दिन हुआ है बेचारे को लॉन्च लॉन्च किए हुए अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है कम से कम तीन से पांच साल जावे जी तब तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू रखा है तो प्रॉब्लम है तो व्यू अपना लॉन्ग करिए लंबा करिए बड़ा करिए तो आप बचे रहेंगे सेफ रहेंगे नियर में कुछ अभी नहीं होगा डॉक्टर कुलकर्णी साहब अकोला से लिख रहे हैं अगला सवाल कि आई हैव टेकन बॉस वन शेयर एक शेयर बॉस का इन्होंने खरीदा है 13,800 पे मझ डॉक को एक, एक सौ शेयर खरीदा दो के और आर वी एन एल पाँच सौ शेयर लिया बत्तीस रुपये पचास पैसे पे लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस तीनों में से सबसे पहले आर वी एन एल पे आंसर करूंगा कि आप भूल जाइए सर एक लाइन में बोलूंगा आप भूल जाइए कि आपके पास आर वी एन एल नाम का कोई स्टॉक है अगले दस साल के लिए अगर ये भूल सकते हैं तो ठीक है नहीं भूल सकते अब अगर आपने अगली बार फिर आर वी एन एल के बारे में पूछा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बार बार देख रहे हो उसको मत देखिए ना उसको एफ डी आप कर देते हैं बैंक में तो रोज जा, जा के देखते हैं क्या कि पैसा रखा हुआ है कि नहीं नहीं ना बस ऐसे ही समझिए आर बी एन एल को नहीं देखना है भूल जाना है कि आपके पास आर वी एन एल नाम का कोई स्टॉक भी है पड़े रहने दीजिए गिरेगा बीच में वो पांच परसेंट भी गिर सकता है दस परसेंट भी गिर सकता है बीच में गिरेगा क्योंकि मार्केट वन वे तो चलता नहीं है गिरेगा पर आपको उसमें टिके रहना है रही बात बॉस का 13,800 पे एक शेयर आपने लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम लोग बॉस के पास चलेंगे और देखेंगे कि बॉस फिलहाल अभी क्या कर रहा है 13,860 पॉइंट का आप ऑलरेडी प्रॉफिट में तेरह हजार का स्टॉप लॉस लगेगा एक बार अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 14,200 के ऊपर देन ये 14,500 से लेके 15,000 तक के भी लेवल आपको दिखाएगा बॉस दूसरा स्टॉक आपने एक और स्टॉक लिया है सर उसको भी मैं चेक कर लेता हूँ उसका नाम है मझगांव डॉक को आपने लिया हुआ इसको भी चेक करेंगे मझगांव डॉक हालांकि मैं शिपिंग कंपनियों में उतना पॉजिटिव नहीं रहता हूँ कभी भी ये यही है ना डॉक से बिल्कुल है ना आपने लिया है कितने पे इस, इसको मैं देख लेता हूँ इसके मेरे अपने रीजन है क्यों नहीं ले इसको मैं पसंद करता हूँ शिपिंग कंपनियों को मजगा डॉक आपने 100 शेयर लिया है 222 सौ बाईस पे आप प्राइज़ वहीं चल रहा है दो सौ ये अभी भी ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था इसका आईपीओ आया था हाँ आपने लिया ऐसे गलत जगह पे नहीं लिया आपने लिया है बिल्कुल ठीक जिन्होंने नीचे भाव पे लिया वो कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे जैसा कि मुझे लगता है तो आपको गिरावट देखने को मिल सकता है लेकिन

आप लोग फीडबैक जरूर दे दीजिएगा सर मयूर सगोरे साहब इंदौर मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं सर जी मेरा सवाल है कि स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बी क्या है थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए और अगर इनमें काम करना है तो डिलीवरी में ही लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग एक होता है एक ही चीज़ होता है कुछ दिनों के लिए स्टॉक को पंद्रह दिन बीस दिन एक महीना के लिए लेके रखा जाता है उसको शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग कॉल करते हैं पॉजिशनल होता है जो आप तीन सालों तक ले के चलते हैं लंबा समय तक पोजीशन बना कर रखते हैं पोजिशन क्रिएट करके रखते हैं किसी स्टॉक में साल भर भी हो सकता है दो साल भी हो सकता है तीन साल भी हो सकता है उसको पोजिशनल कहते हैं बी होता है बाय टूडे सेल टुमारो तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि बी के लिए पूरा वीडियो एक्चुअली मेरा बना हुआ है आपको बस थोड़ा सा क्या करना है अपना कीमती समय निकालना है चूँकि आप बिज़ी होंगे मुझे ये पूरा उम्मीद है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार आ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले प्ले में जाइए थोड़ा टाइम अपना कीमती टाइम निकालें और यहाँ पे एक वीडियो मेरा बना हुआ है आपको मैं दिखा दूँ व्हाट इज़ बी टी एस टी एस टी बी टी है ना तो ये पूरा डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बना के रखा है मयूर साहब आप इस वीडियो को देखिए तो आपको बी टी एस टी एस टी बी टी एस टी बी टी भी पता चल जाएगा बी टी एस टी भी पता चल जाएगा ये सारी अब आप, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप मेरे चैनल आर के ट्रेडिंग पे आके आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाले प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख लेना आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा सर और फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद मैं सारे लोगों से भी कहूंगा कि अपना अपना फीडबैक जरूर दें आपका फीडबैक ही मेरे लिए संजीवनी बूटी का काम करता है बढ़ूंगा अगला सवाल और अगला सवाल देखते हैं किनका है आ, एस सी एच एच सी एल फिफ्टी टू में इन्वेस्ट करना है नाम है सलीम अंसारी साहब महाराष्ट्र से लिख रहे हैं भिवंडी महाराष्ट्र से कि कैन बी इन्वेस्ट इन एच एच सी एल फिफ्टी टू अब ये फिफ्टी टू लगा हुआ ये मुझे समझना पड़ेगा एच एच सी एल को हम देखेंगे एच एच सी एल चलिए हिमाद्री सोसाइटी स्पेशलिटी केमिकल होता है ये फिफ्टी टू क्या है सर ये मुझे पता नहीं शायद आपने फिफ्टी टू प्राइस प्राइज़ लेना चाह रहे हैं तो सर आप प्राइज़ ना सलीम साहब मुझे ये देखिए मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूँ अपने मेरा दिमाग है थोड़ा सा छोटा मैं समझ नहीं पाता हूँ सही से है ना आप क्लियर लिखेंगे ना एट द रेट रेट रे ऑफ फिफ्टी टू तो मैं समझ समझाऊंगा कि आप प्राइस की बात कर करें अब मैं ये समझ रहा हूँ कि एस एस सी एल फिफ्टी टू नाम का कोई स्टॉक है समझ रहे कि नहीं तो आपको ये समझना लेकिन अब मुझे चार्ट देख के लग रहा है कि आप पचास के ऊपर में बाय करने की सोच रहे हैं लेकिन उम्मीद करता हूँ आप आ, सही से लेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं सर बिल्कुल कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन होल्ड रखिएगा फोर्टी फाइव के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें लेकिन फिफ्टी टू के ऊपर जब वो क्लोज करेगा तभी लीजिएगा उसके पहले मत लीजिएगा सर अगला सवाल बढ़ता हूं आगे और अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल है संजय दामोदर कदम साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि सर अशोक लीलैंड अस्सी रुपये बावन पैसे पे लिया है टीसीएस सत्ताईस सौ पचासी रुपए सत्ताईस पैसे पे और इन्फोसिस एक हजार उनचालीस पे बाय किया है अब क्या करना है अशोक लीलैंड में सर टारगेट डन हो गए जो मैंने दिए हुए थे अशोक लीलैंड का टारगेट वो टारगेट ऑलरेडी और डन हो चुका है जैसा कि आपने देखा होगा लेकिन आपने शायद फिर लेट कर गए खैर कोई दिक्कत नहीं है काफ़ी नीचे से मैंने दिया हुआ था फिफ्टी रुपीज़ के आसपास ही अशोक लीलैंड को यहाँ पे दिया हुआ था वो चला गया है और आपने लिया है अट्ठासी रुपये के आसपास में वन टेन का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए ऑलरेडी आप प्रॉफिट में पहली बात तो मुबारक हो 110 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अगर ये 115, 116 को ब्रेक करता है तो वेट करिएगा फिर वो और आगे के लेवल आपको दिखा सकता है अशोक लीलैंड टी को आपने सत्ताईस के आसपास लिया है टी को तो सर यहाँ मैं तेईस सौ तेईस सौ कब से बोलता रहा उसके बाद देखिए ये इकतीस कुल मिला के से जो प्रॉफिट की रैली आई है माइंड ब्लोइंग रैली आया तीन हजार के पास स्टॉप लॉस मेंटेन करिए में अगर ये इकतीस सौ पचास ब्रेक करता है तो तैतीसो तक के टारगेट आपको दिखा सकता है टी -सी आगे और सवाल है इन्फोसिस इन्फोसिस तो सात सौ दस के आसपास ही दिया था मैंने तेरह सौ के टारगेट हो गया दोबारा ग्यारह सौ के आसपास दिया वो भी टारगेट हो गया यानी हर एक टारगेट डन हो गया एक हजार उनचालीस पे आपने लिया हुआ है ये भी अच्छी बात है ऑलरेडी आप 1300 यानी कि 200 पॉइंट की रैली तो 300 पॉइंट की रैली तो आपने ऑलरेडी इन्जॉय किया है अभी इन्फोसिस में 1316 का हाई है स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा इन्फोसिस में जैसा कि है 1250 सौ के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अप साइड में 1320 को ब्रेक करेगा तो एक बार ये तेरह तक जाने की कोशिश करेगा इन्फोसिस तो ये सब लेवल है आपके उस इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक पर नजर रखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा बढ़ूंगा अगला सवाल लेता हूँ कुमार सिंह साहब झारखंड से लिख रहे हैं कि भेल चालीस रूपये साठ पैसे पे नौ सौ इकसठ क्वांटिटी है एक से दो दिन के लिए लिया था टारगेट 44 का पर ये नीचे है क्या करना चाहिए सर बताए भेल आपने चालीस रूपये साठ पैसे पे नौ सौ इकसठ क्वांटिटी लिया ठीक है एक से दो दिन के लिए ही लिया था बहुत बढ़िया चवालीस के टारगेट के लिए तो सर आपने जो चीज़ देखा होगा कि एक से दो दिन में ये आपको चवालीस का टारगेट दे सकता है भेल अगर वो चीज़ें खराब हो गई अगर वो चीज़ें खराब हो गई गड़बड़ हो गई तो उससे निकल जाना चाहिए था अगर आप नहीं निकले और अभी भी वेट करना चाहते हैं तो थर्टी एट का स्टॉप लॉस तो मेंटेन जरूर कर लीजिए सबसे पहले थर्टी एट का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अगर ये वापस फोर्टी को ब्रेक कर जाता है सर तो आपको ये फिर फोर्टी टू तक के भी लेवल लेवल अपसाइड में और 44 के लेवल भी दिखा देगा जो आपने कहा था लेकिन उस कंडीशन पहले स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए प्रोटेक्ट करिए अपने कैपिटल को करिएट के स्टॉप लॉस के साथ सतीश जी बुल्ढाना महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का पचास क्वांटिटी चार सौ पे लिया था ठीक है यूनिकेम लैब का पचास क्वांटिटी दो सौ छियासी पे लिया था इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा यूनिकेम और एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस देखिए एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस आपने जो लिया है, तो ठीक खराब नहीं लिया बहुत अच्छा है चार सौ पे लिया बयालीस पॉइंट का ऑलरेडी आप प्रॉफिट में है अभी आप वेट कर लीजिए फोर फिफ्टी को अगर एक बार ब्रेकआउट कर देता है एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस जो कि करना भी चाहिए हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिटेशमेंट आता हुआ दिखेगा उससे घबराना नहीं है उस कंडीशन में स्टॉप लॉस चार सौ बीस का मेंटेन करके चलिए लेकिन अगर ये ऊपर चार सौ पचास ब्रेक करेगा तो देन ये फिर आपको चार सौ अस्सी तक के लेवल आपको दिखाएगा यूनिक एम लेब की बात करते हैं यूनिक एम लेब यहाँ पे नहीं है तो हम लोग चलेंगे और यूनिकेम लैब को यहाँ पे खोज के देख लेंगे और इसका एक दवा आती है यूनियन जाइन नहीं वो बहुत ही बेहतरीन दवा है पेट के लिए चले फिफ्टी दो सौ छियासी के आसपास में आपने लिया दो सौ अस्सी चल रहा है कोई देखिए स्टॉप में दो सौ साठ का मेंटेन करिए अगर ये एक बार ऊपर दो सौ नब्बे तीन सौ को ब्रेक करता है यूनिकेम तो ये आपको तीन सौ बीस तीन सौ चालीस तक के भी टारगेट यूनिकेम आपको दिखा देगा तो नज़र रखिएगा इस पर यूनिकम के इस लेवल पर अगला सवाल लेता हूँ और अगला सवाल है अंगद देशमुख साहब पारभानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं सर मैं आपका तुम्हारे मैं आपका तुम्हारे सवाल मेरे जवाब सेक्शन हर सप्ताह देखता हूँ उसमें बहुत सीखने को मिलता है थैंक यू सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम सर एन में लिया स्टॉक बी में सेल कर सकते हैं क्या और बी में लिया स्टॉक एन में सेल कर सकते हैं क्या कर सकते हैं लेकिन इंट्रा में नहीं कर सकते दैट मीन्स अगर आपने सेम डे खरीदा है एन पे आप चाहते हैं सेम डे मैं उसको बी में बेच दूं तो वो नहीं होगा हाँ आपने लेके ख़रीद लिया आपके पास डिलीवरी आ चुका है तब आप उसको बी में बेच दीजिए एन का अगर स्टॉक है तो अगर बी से लिया और डिलीवरी आपके पास आ चुका है आपके डीमेट में है तब आप उसको एन में बेच दीजिए लेकिन अगर आप सेम डे खरीद के सेम डे बेचना चाहेंगे तो नहीं होगा उसको आपको फिर सेम जगह देखिए बिल्कुल उसी तरह वर्क करता जी जैसे दो दुकान है आपके मोहल्ले में दो दुकान है इसको ऐसे समझिए एक दुकान ए से आपने सामान खरीदा और उसका पैसा भी आपने उसको पूरा पे नहीं किया है और आप चाहते हैं उस सामान को आप दूसरे दुकान में बेच देने के लिए तो वो बिकेगा क्या वो नहीं लेगा ना पहला वाला दुकान वाला बेच नहीं, नहीं देगा कहेगा आप तुम पहले मुझे पूरा पैसा दो तभी ना तुम बेचोगे जी उसको दूसरे दुकान में समझ रहे ना सेम वही होता है इंटरडे में आप नहीं कर सकते क्योंकि इंटरडे में तो आप पूरे पैसे दिए नहीं है उसको अभी तो वो सामान भी आपके पास नहीं आया है ना इसी वजह से हाँ डिलीवरी हो जाएगा आपके पास यानी फुल पैसा आप चुका चुके अब आपका सामान हो चुका है अब आप उसको कहीं बेचिए एन सिम बेचिए बी ए सी बेचिए कोई प्रॉब्लम नहीं समझ गया सर वो बहुत बढ़िया फीडबैक जरूर दीजिएगा बढ़ूंगा सीतामढ़ी बिहार से अगला सवाल ले रहे हैं सुनील कुमार साहब लिख रहे हैं कि सर गुड आफ्टरनून आई एम शॉर्ट टर्म पोजिशन डिश टी रेट है बारह रुपये नब्बे पैसे पे डिश टी उन्होंने लिया है क्वांटिटी एक हज़ार है और एच पावर को लिया है क्वांटिटी दो सौ सैंतीस रुपये नब्बे पैसे पे ठीक है सर प्लीज टारगेट एन स्टॉप लॉस और व्यू जानना चाह रहे तो एच बी एल पावर ठीक है HBL पावर को आपने इसे पकड़ा है तो अच्छी बात है चेक कर लेते हैं HBL पावर कंपनी खराब नहीं है बस चार्ट खराब नहीं होना चाहिए है ना एच बी एल पावर आपने लिया है सैतीस नब्बे पे और प्राइस है सैंतीस साठ तीस पैसे का आपको अभी यहां पे नुकसान आता हुआ दिखाई दे रहा है एच बी एल में कोई बात नहीं बत्तीस रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा याद रखिए अगर ये बत्तीस का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चलते हैं तो ठीक है अदरवाइज छत्तीस के पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा आप वहां पे भी मेंटेन कर सकते हैं लेकिन अगर ये 36 कट जाएगा तो फिर 36 के आपको निकलना पड़ेगा हाँ 40 के ऊपर जाने के बाद आप फिर वेट करिएगा इस प्राइस को फिर वो 44 से 46 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है आपने एक डिश टी लिया हुआ है तो हम वो भी देख लेते हैं नौ रुपये साठ पैसे पर लिया है बारह रुपये अस्सी पैसे पर चल रहा है बहुत बढ़िया नौ साठ पे ही तो लिया ना नहीं बारह नब्बे पे लिया है, आ, है तो वहीं के आसपास है कोई बात नहीं एक्चुअली आप बहुत पैनी स्टॉक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं खैर कोई बात नहीं है पंद्रह रुपये एक रजिस्टेंस है पंद्रह से अठारह अगर वो ब्रेक करता है पंद्रह से सोलह तो फिर ये आपको बीस तक के टारगेट दिखाएगा लेकिन दस रुपये का लॉस मेंटेन करके आपको डिस्टी में चलना पड़ेगा सर पंजाब से पंजाब गुदासपुर से जसपाल साह सिंह साहब लिख रहे हैं कि आपने पिछले एपिसोड में कहा था कि आप एक वीडियो बनाएंगे कि इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट स्टॉक किस प्रकार के होने चाहिए ये वीडियो कब आ पाएगा अगर मैंने ऐसा कहा है हालांकि मैंने कहा था कुछ और गुरदासपुर साहब है ये जसपाल साहब शायद आपने वो पूरा सुना नहीं आ, मैंने कहा था कुछ और ही लेकिन फिर भी आ, मैं बता दूं कि इसके लिए तो पहले से वीडियो मेरे बने हुए हैं लेकिन फिर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के आपको स्टॉक्स को रखने चाहिए किस तरह का क्वालिटी होना चाहिए है ना उसमें तो मैं कोशिश करूंगा कि इंट्रा का क्वालिटी क्या होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक किस प्रकार का होना चाहिए मैं बना सकू एक्चुअली टाइम की बात है जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको बना दूंगा वीडियो आप थोड़ा वेट कर लीजिए आपने रिमाइंड करा दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको सबमिट करने का अपने चैनल पे पोस्ट करने का अगला सवाल लेता हूं और अगला सवाल है सुयोग पाटिल साहब हैदराबाद से लिख रहे हैं कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू एंड योर फैमिली वेरी न्यू ईयर आपको भी सर नव वर्ष की आर्थिक शुभकामनाएं आई एम प्लानिंग टू बाय फॉर स्विंग ट्रेड द फॉलोइंग स्टॉक थार एंड एम प्लीज लेट मी नो टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर the above i am trading these for swing trading only okay waiting for your valuable session sorry if i have caused any trouble for the as the list is long no tharo care and mnm maine to mnm ko already bhi diye hue the sir swing trade is point to yahan se mil gaya aapko 750 ke upar agar aapne liya hai maine apna website पे भी MNM को दिया हुआ था swing trading call में already। अब जो इसका position बनेगा 780 के ऊपर बनेगा 800 और 820 के target के लिए दूसरी बात है आपका थायरो केयर है तो आपको के ऊपर निकलने के बाद एक मोमेंट स्टार्ट करेगा थायरोकेयर जिसके बाद जो है इसका पोजिशन बनेगा लगभग वो 1100 से लेकर ग्यारह का थार पे तो नजर बना के रखिएगा उस लेवल को अगर ब्रेक करता है तभी आप थायरो में लीजिएगा अदरवाइज छोड़ दीजिएगा मेरे ख्याल से 900 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लॉस बने, बनेगा उस कंडीशन में, में सर मैसूर कर्नाटका से मोहम्मद अशद खान साहब लिख रहे हैं कि मार्केट साइडवेज हो तो हमको ट्रेड करना है या नहीं नहीं करना है सर सिंपल सी बात है साइडवेज में कोई डायरेक्शन नहीं मिलता इसलिए आपको वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए विनोद जी दिल्ली से लिख रहे हैं कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 200 मूविंग एवरेज सर मैंने ये पहले ही बोला था आप चेक नहीं कर रहे हैं एक्चुअली चार्टिंग पर जाके चार्टिंग पे जाइए सिंपल स्क्रीनर वाले सेक्शन में लिखना है 200 हंड्रेड ई एम क्रॉस ओवर आपको मिल जाएगा स्क्रीनर ऑलरेडी वहाँ बने हुए हैं सर आप एक बार उसको देखिए तो है ना एक्चुअली आप नहीं ये कर पा रहे आप वो मतलब देख ही नहीं रहे जाके है ना बिल्कुल है सर वहाँ पर बना हुआ है आपको बस उसको ढूंढना है आपको सारे स्टॉक वहाँ पर खुद ब खुद वैसे भी मिल जाएगा उसके ऊपर है ना ओपी वर्मा साहब मिर्जापुर यूपी से लिख रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट इज मेकिंग रनिंग बॉटम कैन आई बाय फाइव एलेवन फॉर वन ईयर अगर आपने वो पैटर्न रीड करना आपको आता है राजेश जी तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उस पैटर्न के हिसाब से आप, आपका अगर एंट्री पाँच पर बनता है तो बिल्कुल ले सकते हैं हाँ दो तीन पॉइंट ऊपर भी मिले पाँच पे भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ ओ पी सर कि अगर आपको वो पैटर्न रीड करना आता है तो उसके हिसाब से ही तब आप लीजिएगा अदरवाइज थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो हो सकता है उसका लेवल बदल जाए 515 520 मेरे ख्याल से एक सही लेवल हो सकता है अगर उसके ऊपर निकलता है तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ उसको बाय किया जा सकता है आगे लेता हूँ अगला सवाल आ, सवाल है महू शहर से एमपी पी एमपी से लिख रहे हैं मनीष माने साहब आईटीसी का एवरेज प्राइस है दो सौ टोटल 600 सौ क्वान्टिटी अभी तो डाउन है सर ये लंबा टाइम के लिए रखिए आईटीसी मैंने पहले भी कहा है कि आईटीसी एसबीआई और किसी स्टॉक्स के बारे में भी बताया था ये सब ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं ना इसको अभी पत्ता खोलना बाकी है तो आईटीसी के साथ क्या है ना थोड़ा सा एक को लेकर इसको प्रॉब्लम हो जाता है सरकार ने एक फिर किया है कि भाई इतने से इतने उम्र के लोग ही स्मोकिंग कर पाएंगे नहीं तो नहीं करेंगे ये सब चीज़ें भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रखते हैं मेरे ख्याल से तीन से पाँच साल रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा दो सौ पच्चीस भाव पर अभी अपने लिया है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन व्यू लंबा रखिए वो नीचे गिरेगा उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं स्टॉक खराब नहीं है देखिए क्या कह रहा हूँ स्टॉक ख़राब नहीं है न्यूज़ ख़राब आ जाती है समझ रहे हैं ना स्टॉक खराब नहीं है न्यूज खराब हो जाती है अभी तो बहुत ही अच्छे जगह पे खड़ा भी है आईटीसी टी यहाँ से एक बाउंस भी करना चाहिए आईटीसी को मेरे ख्याल से तो एक अच्छा बाउंस मिलना चाहिए अगर यहाँ से ब्रेक करता है आईटीसी अपसाइड में ब्रेक ऊपर करता है 210 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट करेगा फिर दो से पच्चीस तक के टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में आराम से दिखा सकता है आई तो न्यूज खराब है स्टॉक खराब नहीं श्रीनिवास पाठक साहब पुणे से लिख रहे हैं कि ई आई एच एक सौ तीन पे लिया है तीन सौ बीस पे लिया है माइन मिंडा कॉर पंचानवे पे और सागर केमिकल सागर सीमेंट सागर सीमेंट छः सौ तिरासी पे लिया है तो मैंने कुछ मिड कैप शेयर में स्मॉल क्वांटिटी में परजेज किया कौन सा रखूं या बेच दूं सर ई आई एच आपने एक सौ तीन पे लिया ई आई एच के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताए हुए थे ई आई एच लिमिटेड या होटल दिया था मैंने नाइनटी के आसपास का ई आई एच सिर्फ लिया है आपने तो उसका सर पूरा क्या नाम है यही होगा ना ई एच लिमिटेड ही तो आपने लिया होगा ये वाला लिया होगा है ना तो अभी आप इसमें बेचने का इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं मेरे ख्याल से नहीं बेचना है आपको होल्ड करना है सर इसको स्टॉप लॉस नाइन्टी के पास रखिए लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिए ई आई एच पर अगर उसको आप मेंटेन करके चलते हैं तो आपको एक मूवमेंट ई आई एच पे मिलेगा और अगर ये नाइन्टी ब्रेक कर देगा तो फिर आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हुत माँ की ये कौन सा है सर एक्चुअली ऐसे सब आप लोग स्टॉक ढूंढ के लाते हैं कि मैं तो देखता भी नहीं इस सब स्टॉक को एक्चुअली फॉलो नहीं करता ना ये कौन सा है सर आपका एच अच्छा, यू एच मैं नहीं गलत लिखा एच यू एच चेक करता हूँ ये देखिए आपने 312 सौ बारह का भी करेंट है 313 आपने 320 पे ही लिया है और सर ये स्टॉक्स नहीं इसका चार्ट सही नहीं लग रहा है याद रखिए अगर 325 को अगर ये ब्रेक नहीं करेगा सर फिर आपको निकलना पड़ेगा 325 को ऊपर अगर ब्रेक कर दे तो आप का वेट कर सकते हैं लेकिन अगर ये 300 को नीचे ब्रेक कर देगा तो दो तक चला जाएगा मिंडा कॉर्प पंचानवे मिंडा पे बने रहिए सर मिंडा कॉर्प में क्या दिक्कत है मिंडा कॉर्प में बिल्कुल बने रहिए मेरे ख्याल से अभी मिंडा कॉर्प और भी लेवल दिखाने वाला है हंड्रेड के ऊपर निकलने के बाद ये हंड्रेड ट्वेंटी तक के टारगेट दिखाएगा कंडीशन है अस्सी रुपये का लॉस लगा के चलना होगा सागर सीमेंट आपने लिया है सागर सीमेंट तो चलिए हम लोग सागर सीमेंट देखिए मैं आप ही के प्राइस सागर सागर सीएम है ना लिख रहा हूँ लेकिन ये नहीं दे रहा है सर देखिए सागर लिखा और सी ई एम लिखता हूँ जो आपने लिखा है वो नहीं दे रहा है सर ये पता नहीं कौन सा स्टॉक है कहीं केमिकल तो नहीं है नहीं है सर आप पता नहीं ये कौन सा स्टॉक सर सॉरी देखिए नहीं है इसके अंदर आपने स्पेलिंग या तो गलत लिखा है ना तो आप अगर मुझे फिर से बताएंगे स्पेलिंग तो मैं अगले बार में आपको बता पाऊंगा ये स्टॉक मुझे मिल नहीं पा रहा है सागर से ठीक है पाठक साहब तो उम्मीद करता हूँ सही से आप लिखेंगे तो जरूर मिलेगा मैंने ट्राई किया रियाज साहब बेंगलोर से लिख रहे हैं कि सर टी को इकतीस पे 200 क्वांटिटी लिया था शॉर्ट टर्म के लिए कल रिजल्ट भी अच्छा आया है। काइंडली प्रोवाइड टारगेट इन स्टॉप टी में तो मैंने अभी भी बताया एक विवर के आंसर थे टी के बारे में मैंने बताया कि भाई टी तो एक तेईस से मैंने स्टार्ट किया इसका तो काफ़ी अच्छा गया आपने ऊपर के लेवल पर ही अभी फिलहाल बाय किया आपने बाय किस लेवल पर किया इकतीस सौ लिया क्लोजिंग कितने चल रहा है इकतीस सौ पे वहीं पर पकड़ लिया आपने थोड़ा सा रिस्की जगह पे पकड़ा है मैं अगेन बता दूं अगर इसने तीन हजार रुपए को ऊपर ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है फिर ये नीचे 3000 के लेवल पे गिर सकता है इसलिए स्टॉप लॉस 3000 के लेवल को लगा के आपको चलना पड़ेगा हाँ इकतीस को अगर ऊपर ब्रेक करता है तो आप फिर तीन के टारगेट का वेट कर सकते हैं तीन के टारगेट का भी, भी वेट करके चल सकते हैं तो ये लेवल है आपके लिए पढ़ूंगा अगला सवाल और ये शायद अंतिम सवाल है सुनील शर्मा साहब बलिया से लिख रहे हैं यूपी बलिया से आईटीसी को 202 पे लिया है ऑयल इंडिया को 108 पे लिया है ब्रिटेनिया चौंतीस सौ अड़सठ पे लिया है पावर ग्रिड एक सौ अंठानवे पे शॉर्ट टर्म लेवल देखिए आपने आईटीसी 202 पे लिया है सर ठीक है जिस जगह पे वो है इंपॉर्टेंट जगह पे वहाँ पे वेट कर लिए दो को अगर ब्रेक करेगा तो 220 से 25 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में दे सकता है ब्रिटेनिया छत्तीस के ऊपर अगर दोबारा से निकलता है तो सैंतीस तक के भी टारगेट ब्रिटेनिया फिर से दिखाएगा जिस जगह पे ब्रिटेनिया बैठा हुआ है जहां तक मैं इसको देख पा रहा हूँ बिल्कुल छत्तीस को अगर ब्रेक करेगा तो सैंतीस तक के भी टारगेट दिखा देगा आपने चौंतीस सौ अड़सठ पे लिया है दूसरा आपने प्रॉफिट में आप है बहुत अच्छी बात है पावर ग्रिड लिया है तो और ऑयल को लिया है है ना ऑयल इंडिया को लिया एक पे प्राइस चल रहा है एक ऑलरेडी बहुत अच्छा है सौ का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए एक ऊपर ब्रेक करेगा एक तो एक तक का भी टारगेट आपको दिखा देगा पावर ग्रिड ये देखिए जबरदस्त पावर ग्रिड में आपने कितने पे लिया एक सौ पे लिया ऑलरेडी दो सौ चार पाँच के आसपास चला पाँच पॉइंट प्रॉफिट में स्टॉप दो सौ रुपये के आसपास लगा के चली और ऊपर के लेवल अगर ये दो सौ छः ब्रेक करता है तो देन दो सौ दस तक का टारगेट आपको दिखा सकता है सर तो ये मेरे ख्याल से अंतिम सवाल था इस सेक्शन का आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन का जो कल नौ जनवरी दो शनिवार को आप लोगों ने भेजा है तो उसका ये अंतिम सवाल था तो सवालों का सिलसिला दोस्तों खत्म हो गया उम्मीद करता हूँ जिनके भी सवाल रिजेक्ट हुए वो अपना नाम और सर का नाम लिखना भूल गए होंगे तो मैंने जो भी व्यू बताया उन पर अपना भी रिसर्च आंसर जरूर कर लिया और नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा मेरे इस सेक्शन से आपको कितना फ़ायदा क्या होता है और मुझे क्या सुधार करना है एक और वीडियो नो टाइम नो मनी के नाम से मैंने पोस्ट किया आपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर आप उसे भी जाके देख सकते हैं सारे लोगों से जुड़ा हुआ वो सवाल है और उसमें मैंने जो आंसर किया उसको आप समझने की कोशिश करें तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद